रानी के कई को देखा, बाल बिखेर रखे हैं रानी के कई ने, रो रो कर बुरा हाल कर रखा है। पूछने लगे राजा दशरथ की रानी, किसने तुमसे क्या कहा है जो तुम्हारी ये दशा है? तो नू कहने लगी, महाराज आपको याद है कि क्या रानी, कि जब देवराज इंद्र ने आपको अपनी मदद के लिए बुलाया था तो आप देवासुर से युद्ध करने के लिए देवराज इंद्र के साथ गए थे? कि हाँ रानी गया था। आपका सारथी बनकर मैं आपके साथ गई थी? कि हाँ रानी तुम मेरे साथ गई थी। और मेरी वजह से आपकी भारी जीत हुई थी? कि हाँ रानी तेरी वजह से मेरी जीत हुई थी। जब आपकी जीत हुई थी तो आपने मुझे वचन दिए थे कि मांगो रानी, आज तुम क्या मांगना चाहती हो? तो मैंने उस टाइम पे आपसे कुछ नहीं मांगा था। कि हाँ रानी, तो आज मैं आपसे उन वचनों को मांगना चाहती हूँ। कि मांगो रानी क्या मांगना चाहती हो, तुम तो मेरी सबसे प्यारी रानी हो, मांगो मैं तुम्हारी मांग पूरी करूंगा। तो न्यू कहने लगी, महाराज अगर मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे ये चाहिए कि जो तुम्हारा बड़ा पुत्र राम है उसको तो 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए, और जो मेरा पुत्र भरत है उसको ये राजपाट राज तिलक होना चाहिए। इतनी बात जब राजा दशरथ ने रानी केकई की सुनी तो चक्कर आ जाते हैं, पैरों के तले से जमीन खिसक गई। फिर भी वो रानी केकई नहीं मानती है, और किस तरह से राजा दशरथ को मजबूर करती है अपने वचन भरवाने के लिए, आइए सुनते हैं इस रावणी के माध्यम से। मेरा दशरथ राजा तने वचन भरया था, वो आज चाहिए से राम ने वनवास परतने, राज चाहिए से चाहिए से। पहली कली के माध्यम से न्यू क्या लगी कि अगर तूने राजपाट ये राज तिलक अपने राम को कर दिया ना, तो मेरा बेटा हमेशा उस राम का गुलाम बन के रहेगा, राजा नहीं बन सकेगा। क्या कहने लगी, सारा हाथ में काम रहेगा, वो हाथ में काम रहेगा। दली प्रभु के खानदान में राम का नाम रहेगा, मेरे मेरा भरत तेरे रामचंद्र का सदा गुलाम रहेगा, वो सदा गुलाम रहेगा। Ah!
वजह से मने मेरे खून की प्यासी, ओ मेरे खून की प्यासी। सारी उम्र रहू कान्या उस कौसल्या की दासी, केते दे दे वचन मेरा ना मैं मर जा खा के फांसी, ओ मर जा खा के फांसी। मांगा है अंतिम कली में क्या बताया।
दशरथ राजा वचन हार जा तोड़ो जा लोग हसाई अरे हो जा लोग हसाई चंद ने मेहर सिंह पे सीख लई कविता।